फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का कहानी अंधे का बेटा, दिल को छू लेने वाली कहानी। चलिए शुरू करते हैं अंधे का बेटा। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने उसका दाखिला कब से के सबसे बड़ी स्कूल में किया। वो दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उनकी माँ का बारे में जानते थे। वो सब उसे अंधी माँ पर शर्म आने लगी थी। वो उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वो उससे लेने आएगा, लेकिन वो शहर गया तो फिर लौट कर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसकी इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रह गया और वो बेटे से मिलने शहर पहुँच गई। पूछते वो बेटे के ऑफिस पहुँची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसके जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसकी अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वो ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तभी सड़क में अपनी माँ को मारा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तस्वीर देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरे आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे तुझे अपनी आंखें ना देनी पड़ती होती, तो तेरी तस्वीर अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती, तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर लड़का फुट फुट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसी शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था, वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। उससे हमको वो सीख मिलता है कि दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।